शहर में एक सेठ जी थे, उन्होंने एक बढ़िया सी फैक्ट्री डाली। कर्जा लेकर बैंक से लोन लिया और बढ़िया सी फैक्ट्री डाली, पर फैक्ट्री जैसी उन्होंने डाली चलने का नाम ही नहीं लेती वो फैक्ट्री। 50 वर्कर उस फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उन व्यक्ति की स्थिति ये हो गई कि एक आदमी को भी तनख्वाह देने की गुंजाइश नहीं थी। मुसीबत आ गई, ऐसी स्थिति आई कि अब फैक्ट्री बिक जाएगी और बिकने के बाद भी कर्जा ज्यों का त्यों बना रहेगा। बहुत रोने लगे वो व्यक्ति, क्या करें क्या करें क्या करें। तब वह अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से उपाय पूछा। गुरुजी, मैंने फैक्ट्री लगाई पर सारी फैक्ट्री डूबने की स्थिति में आ गई है, कोई फायदा नहीं। तब गुरुजी ने कहा, बेटा ये बता, ये फैक्ट्री किसकी है? उसने कहा, गुरुजी मेरी फैक्ट्री है। गुरुजी बोले, बस इसीलिए तेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही है, तेरा कारोबार इसलिए नहीं चल रहा है, क्योंकि तू ये मानता है कि मैं इसका मालिक हूं, मैं इसे चला रहा हूं, मेरी फैक्ट्री है। तू ये बात अपने दिमाग से डिलीट कर दे कि तू इसका मालिक है। फिर क्या करें गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि तू अपने फैक्ट्री में एक छोटा सा मंदिर बना, वहां अपने ठाकुर जी को भगवान जी को रख और ये भाव बना कि ये फैक्ट्री मेरी नहीं है, ये कारोबार मेरा नहीं है, ये कारोबार भगवान का। उसने वैसा ही किया, अपने घर से लड्डू गोपाल जी ले जाके फैक्ट्री में रख दिए, पूजा आरती शुरू कर दी और भगवान से समर्पण भाव से, फिर मैं शब्द दोहराऊंगा समर्पण, ये समर्पण नाम का जो शब्द है याद रखिएगा, जब तक हमारा भगवान के प्रति समर्पण नहीं होगा तब तक भगवान आपकी पुकार नहीं सुनेंगे, और जिस दिन आपका समर्पण हो जाएगा एक भी बात आपकी खाली नहीं जाएगी, ईश्वर सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ये समर्पण क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। समर्पण है, द्रौपदी ने जब दुशासन पकड़ के लाया और साड़ी उतारने लगा तो द्रौपदी को पहले अपना ही बल था कि मैं तो खुद क्षत्राणी हूं, अपनी रक्षा कर सकती हूं। भगवान बोले, अच्छा तू अपनी रक्षा कर सकती है तो कर ले, मैं बैठा हूं, भगवान यूं बैठे रहे दूर। पर द्रौपदी का अपना बस नहीं चला, तब द्रौपदी ने किसको बुलाया? अर्जुन को बुलाया, अर्जुन मेरी रक्षा करो, गांडी बिठाओ। पर अर्जुन ने भी सिर नीचे कर लिया। भगवान बोले, अच्छा तुझे अर्जुन का बल है, बुला के देख ले। फिर भीम को बुलाया द्रौपदी ने, अच्छा तुझे भीम का बल है, बुला कर देख ले। अच्छा तुझे युधिष्ठिर का बल है, बुला कर देख ले। जब द्रौपदी का कोई बल काम नहीं आया, ना पितामह भीष्म आए, ना गुरु द्रोणाचार्य आए, ना पांच पांडव में एक भी आए, ना खुद का ही बल काम आया, जब कोई बल काम नहीं आया तब अंत में द्रौपदी ने समर्पण किया। अंत में क्या किया? हे नाथ, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी हूं, अब साड़ी जाए तो जाए, इज्जत लुटे तो लुटे, अब इज्जत मेरी नहीं, अब तो इज्जत आपकी है। यदि आप, मैं आपकी हूं, अच्छा आपकी शरण में कोई आ जाए, कह दे कि मैं आपका हूं, तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म होता है कि नहीं? आपका जब तक समर्पण नहीं होगा, समर्पण का अर्थ है पूर्ण रूप से मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को सौंप दी, ये क्या था? ये समर्पण है। जहां ले जाना चाहो वहां ले जाओ, जैसे रखना चाहो वैसे रखो, हरा दो युद्ध या जिता दो युद्ध, मर्जी आपकी, मैंने तो डोर ही आपको सौंप दी। मेरी माँ जैसे अर्जुन ने अपनी डोर भगवान को सौंप दी, आप लोग जितने जल्दी हो सके अपने जीवन की डोर भगवान के श्री चरणों में सौंप दीजिए। प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, समर्पण कर दीजिए, पूर्ण रूप से कह दीजिए कि नाथ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मेरा अपना कोई बल नहीं। अच्छा जब समर्पण जीव का होता है तो भगवान कृपा करते हैं, इसलिए समर्पण हो। और जो भगवान को लेकर चलते हैं, उस आदमी की फैक्ट्री नहीं चल रही थी, उसने मंदिर में, उसने फैक्ट्री में ठाकुर जी बिठा दिए और बिठा कर पूजा आरती करता और भगवान से यही कहता कि प्रभु
मैं इस फैक्ट्री का अब मालिक नहीं, मैं इस फैक्ट्री का नौकर हूँ और आप ही इस फैक्ट्री के मालिक हैं। और ये भाव बना के जब वो फैक्ट्री चलाता कि ये फैक्ट्री मालिक की है, वह रोज हाजिरी भगवान के चरणों में लगाता। देखते देखते उसकी फैक्ट्री चल पड़ी और इतनी बढ़िया फैक्ट्री चली, इतना प्रॉफिट हुआ कि वो भगवान के नाम की ऐसी 15 फैक्ट्री का मालिक हो गया, अर्थात 15 फैक्ट्री और लगाई। तो जीवन में पहली गलती हम ये करते हैं कि हम अपने को कर्ता मान लेते हैं। कर्ता हम नहीं हैं, कर्ता कौन? कर्ता भगवान है। कर्ता हम बिल्कुल नहीं हैं। यदि कर्ता हम होते तो हमारा नुकसान क्यों होता, फायदा ही फायदा होता। कर्ता हम होते तो हम बीमार ही ना होते, हम स्वस्थ होते। कर्ता हम होते तो हम बुढ़ापे को प्राप्त ही ना होते, जवान ही रहते। इसका अर्थ ये है कि कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्ता तो ईश्वर है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। कर्ता कौन है? मेरी माँ ईश्वर है। हम कौन है फिर? हम कौन है? हम निमित्त हैं। हम कौन? हम कौन? निमित्त कैसा? आपने कभी कठपुतली का नाच देखा होगा। कठपुतली मतलब लकड़ी की एक पुतली को धागा, उसको हाथ में लेकर के नचाने वाला नचाता है, उंगलियों में फंसा के कठपुतली को जैसे नचाता है वह वैसे नाचती है। अच्छा, आपने खिलौने में गुड्डा देखा होगा, चाबी भर दो और चाबी भर के छोड़ दो तो खुट 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 करके चलता है, उतनी ही देर चलता है जितनी देर चाबी उसमें भरी होती है। चाबी खत्म, स्टॉप, रुक गया, हाँ या ना? बस मेरी माँ सच्ची यही है कि जैसे वो गुड्डा गुड्डी खिलौना होता है ना, हम भी खिलौने हैं और हम भी तब तक चल रहे हैं जब तक ईश्वर ने हमारी चाबी भर रखी है। चाबी खत्म, हमारी चाबी उसी के हाथ में है। ये खिलौने जो होते हैं ये उछल कूद करते हैं, लेकिन इनकी चाबी भरने वाला कोई दूसरा होता है। आप और हम चाबी भरते हैं तो ये उछल कूद करते हैं। चाबी भरना बंद कर दोगे इनकी उछल कूद बंद हो जाएगी। आप जीवन में जितना भी कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ये आप अपने बल से नहीं, ईश्वर ने जितनी चाबी भरी है हम उतना ही पाएंगे। इसलिए हम सभी के पालनहार कौन है? भगवान है। हम कभी ये अहंकार ना करें कि हम कुछ कर रहे हैं, सदा ये भाव बनाएं कि नाच आप सब कर रहे हैं और हम आपका ही खा रहे हैं। हम अपना नहीं खा रहे हैं, हमारी मेहनत इतनी नहीं है कि हम पेट भर भी खा सकें, हम तो ईश्वर की कृपा का खा रहे हैं। तो आज से ये अहंकार मिटा दीजिएगा कि मैं कुछ करता हूं। हमेशा सब कुछ कौन करता है? भगवान करते हैं। हमारी फैक्ट्री, हमारी दुकान, हमारा परिवार हम नहीं चला रहे हैं, कौन चला रहा? भगवान। लेकिन हम झूठा ही अहंकार लिए घूमते हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारा अहंकार ही तो झूठा है। अच्छा, आप कहते हैं कि हम सब कर रहे हैं, तो एक काम करो, आप 10-15 दिन के लिए निकल जाओ घर से, जाके कहीं गुप्त स्थान में रहने लग जाओ और देख लो कि आपके घर का काम चलता है कि रुक जाता है। आपके बिना कोई काम रुकना है? यदि आपको इतना ही एटीट्यूड है, इतना ही अहंकार है कि मेरे बिना क्या होगा, तो साहब जाके देख लो, किसी के बिना किसी के घर का कोई काम नहीं रुका। आपके पिता के पिता, आपके दादा परदादा भी यही कहते थे, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। कह दो उनसे, तुम्हारे बाद भी सब ठीक ठीक चल रहा है। चले गए आपके दादा परदादा, क्या रुका? और हम और आप चले जाएंगे, क्या रुकेगा? ये जो झूठा ही हमने अहंकार ले लिया है, यही तो हमें खाए जा रहा है, यही तो रातों की नींद हराम किया है। हमें लगता है सुबह हमें ये काम करना है, सुबह हमें कर्म करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं अहंकार रखना चाहिए कि हम ही सब कर रहे हैं ना, हमारे द्वारा ईश्वर करा रहे हैं। हम नाचने वाले हैं, ईश्वर नचाने वाला है। हम कठपुतली हैं, हम नाचेंगे, लेकिन कठपुतली अपने से तो नहीं नाचती, उसे नचाने वाला पीछे होता है। उसी तरह तुम नाच जरूर रहे हो, पर तुम्हें नचाने वाला पर्दे के पीछे है, जिसे ईश्वर कहते हैं।